हेलो एवरीवन, एक्टिव क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज का डिस्कशन टॉपिक है 3M। फ्रेंड्स, 3M जापानीज कंसेप्ट है। लीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में इसे यूज किया जाता है। फ्रेंड्स, 3M कहते हैं मुदा, मुरा एंड मुरी को। मुदा मींस वेस्ट, मुरा मींस ओवरबर्डन एंड मुरी मींस अनइवननेस। फ्रेंड्स, ये जो तीनों वर्ड है, इसका जो पहला लेटर है वो एम है, यानी तीनों वर्ड जो स्टार्ट होता है वो एम से, इसीलिए इसे हम 3M कहते हैं। फ्रेंड्स, आज जो हम बात करने वाले हैं वेस्ट के बारे में, यानी मुदा के बारे में। पूरा मीन्स होता है ओवरबर्डन। ओवरबर्डन को हम इस तरह कह सकते हैं, जरूरत से ज्यादा लोड लेना या जरूरत से ज्यादा उसके ऊपर ओवरबर्डन होना। फ्रेंड्स, एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे हमारे पास कोई गाड़ी है, उसकी जो कैपेसिटी है 3 टन तक वो लोड ले सकती है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हम क्या करते हैं, उस गाड़ी के ऊपर अगर 3 टन से ज्यादा माल रखते हैं तो वो क्या हो जाएगा, ओवरबर्डन हो जाएगा, रिस्क के चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, गाड़ी के पलटने के, गाड़ी के ऊपर इतने ओवरलोड हो जाएगा कि उसको जो उसको चलना मुश्किल हो जाएगा। यही सब कारण होते हैं जो दुर्घटना हो जाती है, गाड़ी पलट जाती है, ओवरबर्डन के कारण ही। फ्रेंड्स, तीसरा जो है मुरी है, यानी अनइवननेस। ये सेम एग्जांपल समझते हैं कि हमारे पास जो गाड़ी है उसकी कैपेसिटी है 3 टन लोड की। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हमें 6 टन माल ट्रांसपोर्ट करना है तो हम क्या करते हैं, एक गाड़ी पे 2 टन माल लोड कर देते हैं और दूसरी गाड़ी पे 4 टन माल लोड कर देते हैं। तो ये क्या शो हो रहा है, अनइवननेस यानी अनबैलेंस्ड। हमने किसी पे 4 टन लोड कर दिया और किसी पे 2 टन। ठीक है फ्रेंड्स, इसको जो कहते हैं हम अनइवननेस कहते हैं। फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे वेस्ट कितने तरह के होते हैं। वेस्ट जो है 8 तरह के होते हैं। फ्रेंड्स, 8 तरह के वेस्ट को जानने से पहले सबसे पहले हम जानेंगे वेस्ट क्या होता है। जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, यह आपके लिए काफी हेल्पफुल हो सकती है। ओके फ्रेंड्स, आइए जानते हैं कि वेस्ट किसे कहते हैं। वेस्ट क्या होता है, एनी एक्शन दैट डज नॉट एड वैल्यू टू द कस्टमर एंड वेस्ट इज अननेसेसरी स्टेप इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस दैट डज नॉट बेनिफिट टू द कस्टमर एंड कस्टमर डज नॉट वॉन्ट टू पे फॉर इट। फ्रेंड्स, वेस्ट हम उसे कहते हैं ऐसा काम या ऐसा प्रोसेस जिसके करने से कस्टमर को कोई फायदा नहीं होता। फ्रेंड्स, अननेसेसरी स्टेप जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में प्रेजेंट रहता है, जिसका कोई बेनिफिट नहीं होता कस्टमर को, वैसे प्रोसेस का कस्टमर जो है पे करना नहीं चाहता है, उसे हम वेस्ट कहते हैं। फ्रेंड्स, आइए जानते हैं वेस्ट जो है कितने तरह के होते हैं। वेस्ट जो है 8 तरह का होता है, 8 टाइप्स ऑफ वेस्ट। फ्रेंड्स, पहला है ट्रांसपोर्टेशन, दूसरा है इन्वेंटरी, तीसरा है मोशन, चौथा है वेटिंग और पांचवा है ओवर प्रोडक्शन, छठा है ओवर प्रोसेसिंग, सातवां है डिफेक्ट्स और आठवां है स्किल्स। फ्रेंड्स, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में ये 8 तरह के वेस्ट पाए जाते हैं। 8 तरह के वेस्ट को याद रखने के लिए एक शॉर्ट फॉर्म है टीम वुड्स। अगर हम टीम वुड्स को याद कर लेते हैं तो यानी 8 जो वेस्ट है उसको हम आसानी से याद कर सकते हैं। जैसे टी फॉर ट्रांसपोर्टेशन, आई फॉर इन्वेंट्री, एम फॉर मोशन, डब्ल्यू फॉर वेटिंग, ओ फॉर ओवर प्रोडक्शन एंड ओ फॉर ओवर प्रोसेसिंग, डी फॉर डिफेक्ट्स एंड एस फॉर स्किल्स। फ्रेंड्स, ये सारे वेस्ट जो हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ये हम डिटेल में जानते हैं एक एक करके। पहला है ट्रांसपोर्टेशन। इसको हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, अननेसेसरी मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल्स, वर्क इन प्रोसेस और फिनिश्ड गुड्स। यानी रॉ मटेरियल का अननेसेसरी एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, उसे हम ट्रांसपोर्टेशन के वेस्ट कहते हैं। फ्रेंड्स, आइए एग्जाम्पल से समझते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन वेस्ट क्या होता है। जैसे आप अगर घरों में, किचन में खाना बनाते हैं तो क्या होता है, अगर हमारे अगल बगल यानी किचन के अंदर सारा अगर सामान है अवेलेबल होता है तो खाना बनाने में क्या होता है, बहुत ही आसानी से और बहुत जल्दी हम खाना बना लेते हैं। अगर वही सामान, उसमें से कुछ सामान किचन में है और कुछ सामान क्या है दूसरे रूम में है या फिर कहीं और है, तो हमें क्या होता है, बार बार जाकर दूसरे रूम से लाना पड़ता है
तो उसमें क्या होता है, टाइम लगता है। जो जाते हैं बार बार आते हैं उसको ही हम ट्रांसपोर्टेशन वेस्ट कहते हैं। यानी ट्रांसपोर्टेशन वेस्ट की वजह से क्या होता है, टाइम ज़्यादा लगता है। आइए जानते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन वेस्ट के क्या कारण होते हैं। इसके कई कारण हैं, फॉर जैसे पुअर प्लांट लेआउट, अननेसेसरी और एक्सेसिव स्टेप इन द प्रोसेस, मिस अलाइंड प्रोसेस फ्लो एंड पुअर डिज़ाइन सिस्टम। अगर आपका जो है प्लांट का लेआउट है वो पुअर होगा, यानी एक सिस्टमैटिक वे में नहीं होगा, कंटिन्यूस फ्लो में नहीं होगा और प्रोसेस फ्लो को मिस अलाइन करेगा, आपका जो प्लांट का डिज़ाइन सिस्टम है अगर वो पुअर होगा तो क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन वेस्ट होगा। फ्रेंड्स, इसको हम ट्रांसपोर्टेशन वेस्ट को कैसे रोका जाए, कुछ एग्जांपल्स हैं जिसकी हेल्प से हम ट्रांसपोर्टेशन वेस्ट को रोक सकते हैं। जैसे वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग, कंटिन्यूस फ्लो। वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग क्या होता है, जैसे आप देख रहे हैं इस पिक्चर में, यानी इसमें क्या होता है, सप्लायर से लेके मशीनिंग से लेके कस्टमर तक का जो भी प्रोसेस होता है सारा एक वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग में शो होता है। यानी आप इसकी हेल्प से हम वेस्ट को देख सकते हैं, वेस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरा है कंटिन्यूस फ्लो। कंटिन्यूस फ्लो का मतलब होता है फर्स्ट ऑपरेशन फर्स्ट मशीन पे, दूसरा ऑपरेशन दूसरी मशीन पे, तीसरा ऑपरेशन तीसरी मशीन पे। ऐसा नहीं कि हम एक काम करा फिर उसको होल्ड कर दिया फिर दूसरा काम हमने स्टार्ट कर दिया। यानी हमारा जो फ्लो होना चाहिए वो कंटिन्यूस फ्लो होना चाहिए। तो इस तरह से हम ट्रांसपोर्टेशन वेस्ट को हम कंट्रोल कर सकते हैं। फ्रेंड्स, दूसरा है इन्वेंट्री वेस्ट। आइए जानते हैं कि इन्वेंट्री वेस्ट क्या होता है। मैन्युफैक्चरिंग इन्वेंट्री वेस्ट कुड इंक्लूड ब्रोकन मशीन्स सिटिंग अराउंड, मोर फिनिश्ड प्रोडक्ट देन डिमांडेड, एक्स्ट्रा मटेरियल्स टेकिंग अप वर्क स्पेस एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट दैट कैन नॉट बी सोल्ड। यानी इन्वेंट्री वेस्ट जो है, हमारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे पार्ट्स होते हैं जिसका हम यूज़ नहीं करते हैं। कभी कभार क्या होता है, हम ओवर प्रोडक्शन कर लेते हैं जिसकी वजह से इन्वेंट्री वेस्ट होता है। मिसअंडरस्टूड कस्टमर नीड, जो कस्टमर की नीड को नहीं समझ पाने की वजह से हम क्या होता है, हमारी जो प्रोडक्शन होती है वो बहुत ज़्यादा कर लेते हैं, रॉ मटेरियल ज़्यादा परचेज कर लेते हैं। इन सारे कारण की वजह से क्या होता है, इन्वेंट्री वेस्ट होता है। पुअर मॉनिटरिंग सिस्टम, जो मॉनिटरिंग कर रहा है उसका जो एक कंट्रोलिंग सिस्टम है प्लानिंग सिस्टम में, वो पुअर होने की वजह से ये सारे वेस्ट होते हैं। अनरिलायबल सप्लायर और जस्ट इन केस। यानी जस्ट इन केस में क्या होता है, स्टोर एज मच एज वी कैन, यानी हम जितना स्टोर कर सकते हैं स्टोर कर लो। क्या होता है, लार्ज लॉट बना लेते हैं, हाई इन्वेंट्रीज हो जाता है, मोर वेस्ट होते हैं। पुअर कम्युनिकेशन की वजह से क्या होता है, ये इस तरह का हमारा वेस्ट होता है, इसे हम कहते हैं जस्ट इन केस। इन्वेंट्री वेस्ट को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, उसके लिए जस्ट इन टाइम, वन पीस फ्लो, टक टाइम, कैन बैन, SMED एंड बेटर प्लानिंग। अगर ये सारी चीज़ें करते हैं तो हम इन्वेंट्री जो वेस्ट है उसको रिड्यूस कर सकते हैं। फ्रेंड्स, जस्ट इन टाइम में क्या होता है, जितना आपको रिक्वायरमेंट है, जितना ज़रूरत है उतना ही प्रोडक्शन करना है, और जो प्रोडक्शन का जो लॉट होता है वो स्मॉल लॉट होता है, और उसके अंदर जो क्या होता है, बेटर कम्युनिकेशन होती है। फ्रेंड्स, टक टाइम क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट होती है उसका जो एक टाइम होता है, टक टाइम में हम कैसे भी करके क्या है ना, कस्टमर की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हम चाहे एक्स्ट्रा मैन पावर लगाना पड़े, चाहे हमें एक्स्ट्रा टाइम देना पड़े, ओवर टाइम करवाना पड़े, ये सारी चीज़ करके हमें कस्टमर की रिक्वायरमेंट को पूरी करना होता है, उसे हम बोलते हैं टक टाइम। अगर हम बेटर प्लानिंग करते हैं तो क्या है, इससे इन्वेंट्री वेस्ट को हम रिड्यूस कर सकते हैं, इन्वेंट्री वेस्ट को रोक सकते हैं। फ्रेंड्स, तीसरा है मोशन वेस्ट। इसको हम इस तरह डिफाइन करते हैं, अननेसेसरी फिजिकल मूवमेंट ऑफ पीपल टू परफॉर्म ए टास्क और प्रोसेस। यानी क्या होता है, अननेसेसरीली क्या होता है, जो पीपल होता है मूव करते रहते हैं किसी भी काम को कंप्लीट करने के लिए, वो एक्टिविटी जो है वैल्यू एड नहीं करता है, उसे हम मोशन वेस्ट कहते हैं। फ्रेंड्स, मोशन वेस्ट के कारण कौन कौन से होते हैं, पुअर शॉप फ्लोर लेआउट, वर्क स्टेशन कंजेशन, लैक ऑफ स्टैंडर्ड एंड आइसोलेटेड ऑपरेशन, ये सारे कारण होते हैं मोशन वेस्ट के। फ्रेंड्स, मोशन वेस्ट को कैसे रोका जाए, 5S वर्क मैनेजमेंट। अगर हम 5S वर्क मैनेजमेंट पे काम करते हैं, वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग पे काम करते हैं, वन पीस फ्लो सिस्टम पे काम करते हैं, बेटर वर्क एंड पीपल प्लानिंग, यानी अगर हमारी प्लानिंग जो है वो अच्छी होती है, तो हम इन सारे टूल्स की हेल्प से
मोशन वेस्ट को हम रोक सकते हैं। चौथा है वेटिंग वेस्ट। वेटिंग वेस्ट हम इसे कहते हैं वेस्टेड टाइम वेटिंग फॉर द नेक्स्ट स्टेप इन ए प्रोसेस दैट इज कॉल्ड वेटिंग वेस्ट। व्हेन एवर गुड्स आर टास्क आर नॉट मूविंग द वेस्ट ऑफ वेटिंग अकर्स। यानी कभी कभी क्या होता है, आप एक काम करके बैठे हुए हैं, इसलिए बैठे रहते हैं कि जब कोई दूसरा बंदा देगा तब जाके आप उस काम को कंप्लीट करेंगे। यानी नेक्स्ट ऑपरेशन के लिए आप वेट करते रहते हैं कि अगर वो आपको देगा करके तो जाके हम काम करेंगे नेक्स्ट प्रोसेस। तो इसे ही हम बोलते हैं वेटिंग वेस्ट। यानी जितना देर आपने वेट किया नेक्स्ट ऑपरेशन के लिए, उसे जो टाइम वेस्ट हुआ उसको हम बोलते हैं वेटिंग वेस्ट। फ्रेंड्स, वेटिंग वेस्ट के कारण कौन कौन से होते हैं? अनबैलेंस्ड वर्कलोड, अनप्लान्ड डाउन टाइम, लॉन्ग सेटअप टाइम, इनसफिशियंट वर्कफोर्स। ये सारे जो हैं क्या है, ये सब कारण है वेटिंग वेस्ट के। फ्रेंड्स, वेटिंग वेस्ट को कैसे रोका जाए? अगर हम हमारे कंपनी के अंदर, अगर हमारे सिस्टम के अंदर कंटिन्यूस वन पीस फ्लो हो जाए, वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग, स्टैंडर्डाइज वर्क इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं, अगर इस टूल्स का यूज़ करते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, वेटिंग वेस्ट को हम रोक सकते हैं। फ्रेंड्स, पांचवा है ओवर प्रोडक्शन वेस्ट। यानी प्रोड्यूसिंग मोर देन योर कस्टमर इज रिक्वेस्टिंग और बिफोर दे रिक्वेस्टेड। यानी ओवर प्रोडक्शन क्या होता है, जो कस्टमर की डिमांड थी उससे ज़्यादा आपने क्या करा, प्रोडक्शन कर लिया। जितनी आपकी कैपेसिटी उससे ज़्यादा आपने क्या कर लिया, प्रोडक्शन कर लिया। तो ये सारे क्या होते हैं, ओवर प्रोडक्शन वेस्ट होते हैं, जिससे कि क्वालिटी ख़राब होती है। ओवर प्रोडक्शन वेस्ट से क्या हो जाता है, इन्वेंट्री इंक्रीज हो जाती है और जो स्पेस होता है उसको ऑक्यूपाई कर लेता है, बहुत सारे वेस्ट आ जाते हैं इसमें। ये ओवर प्रोडक्शन वेस्ट के कारण क्या है, जस्ट इन केस प्रोडक्शन। जस्ट इन केस प्रोडक्शन, अभी इससे पहले हमने बताया था, जस्ट इन केस प्रोडक्शन में क्या होता है, जितना भी आप प्रोडक्शन कर सकते हो कर लो, पुअर कम्युनिकेशन स्किल्स की वजह से ये सब होते हैं। अनक्लियर कस्टमर नीड्स, कस्टमर नीड्स जो है वो क्लियर नहीं होने की वजह से ऐसा होता है। लॉन्ग सेटअप टाइम, पुअर अप्लाइड ऑटोमेशन, ये सारे कारण होते हैं ओवर प्रोडक्शन वेस्ट के। फ्रेंड्स, इसको कैसे रोका जाए, ओवर प्रोडक्शन होने से कैसे रोका जाए? अगर हम जस्ट इन टाइम, टक टाइम, साइकिल टाइम, लीड टाइम, SMED पे काम करते हैं, इस सारे टूल्स पे काम करते हैं, तो हम ओवर प्रोडक्शन को रोक सकते हैं। जस्ट इन टाइम में क्या होता है, जस्ट इन टाइम में स्टोर जस्ट व्हाट वी नीड। यानी हमें जितना ज़रूरत है उतना ही हमें स्टोर करना है, उतना ही हमें प्रोडक्शन करना है। प्रोडक्शन जो होता है प्रिसीजन होता है, उतना ही हम प्रोडक्शन करते हैं जितना हमें रिक्वायरमेंट होती है। स्मॉल लॉट्स होता है, लो उसमें क्या होता है, लो इन्वेंट्रीज होती है, लेस वेस्ट होते हैं और बेटर कम्युनिकेशन, जो हमारा कम्युनिकेशन होता है वो बेटर कम्युनिकेशन होता है। टक टाइम क्या होता है, अगर कस्टमर ने आपको टाइम दिया हुआ कि हमें उस दिन क्या है मटेरियल चाहिए, तो क्या है ना, आपको वहाँ पे कैसे भी एक्स्ट्रा मैन पावर लगा के और जैसे भी करके आपको कंप्लीट करना है। एक्स्ट्रा मैन पावर लगा के, एक्स्ट्रा टाइम, ओवर टाइम लगा के आपको उसके कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरी करना है, उसे बोलते हैं टक टाइम। और छठा है ओवर प्रोसेसिंग वेस्ट। ए सिंपल एग्जांपल ऑफ ओवर प्रोसेसिंग वेस्ट इज व्हेन ए पार्ट ऑफ अ प्रोडक्ट इज हाईली पॉलिश्ड यूजिंग लेबर एंड मशीनरी व्हेन इट इज़ नॉट ए कस्टमर और प्रोडक्ट फंक्शनलिटी रिक्वायरमेंट्स। यानी कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है, फंक्शनलिटी रिक्वायरमेंट्स है, वो ये रिक्वायरमेंट नहीं है कि उसको आप एकदम पॉलिश करके दो, उसका कोई फंक्शन नहीं है, बट आप क्या करते हैं, आप उसको ओवर प्रोसेसिंग करके उसको चमकाते हैं, डबल डबल प्रोसेसिंग करते हैं जिससे कि उसके अंदर शाइनिंग बढ़ जाए। जो एडिशनल प्रोसेस होता है वो वैल्यू ऐड नहीं करता है और कस्टमर उसके पे नहीं करना चाहता है और नहीं करता है, उसे ही हम कहते हैं ओवर प्रोसेसिंग। जो ओवर प्रोसेसिंग वेस्ट है उसको डिटरमाइन करना बहुत ही डिफ़िकल्ट होता है। फ्रेंड्स, ओवर प्रोसेसिंग को कैसे रोका जाए? कंपेयर कस्टमर रिक्वायरमेंट्स टू मैन्युफैक्चरिंग स्पेसिफिकेशन। जो कस्टमर रिक्वायरमेंट्स है उससे आपको कंपेयर करना है मैन्युफैक्चरिंग स्पेसिफिकेशन को, प्रोसेस को री एवेल्युएशन करना है, वैल्यू स्ट्रीम मैपिंग करना है, ओवर प्रोसेसिंग वेस्ट को रोक सकते हैं हम। एग्जांपल ऑफ ओवर प्रोसेसिंग, यानी ओवर डिज़ाइन इक्विपमेंट, री एंट्रिंग ऑफ डेटा एंड डुप्लीकेट डेटा, मिसअंडरस्टैंडिंग ऑफ कस्टमर नीड्स एंड लैक ऑफ स्टैंडर्ड्स। ये सारे क्या, ओवर प्रोसेसिंग के एग्जांपल हैं। क्या करते हैं, डेटा को हम दो दो तीन तीन जगह उसको हम एंट्री करते हैं, तो ये ओवर प्रोसेसिंग हुआ।
सातवां है डिफेक्ट वेस्ट। डिफेक्ट क्या होता है? एनी प्रोडक्ट विच डज नॉट मीट टू द कस्टमर एक्सपेक्टेशन दैट इज कॉल्ड डिफेक्ट। यानी जो कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट है अगर आप उसको पूरा नहीं करते हैं तो वो क्या है? डिफेक्ट है। डिफेक्ट्स के क्या कारण होते हैं? पुअर क्वालिटी कंट्रोल, पुअर रिपेयर एंड डॉक्यूमेंटेशन, लैक ऑफ स्टैंडर्ड, वीक एंड मिसिंग प्रोसेस, अनट्रेन वर्कर। ये सारे कारण की वजह से क्या होता है? डिफेक्ट्स होता है। फ्रेंड्स, डिफेक्ट्स को हम कैसे रोकें? पोका योके सिस्टम के द्वारा हम डिफेक्ट्स को रोक सकते हैं। पोका योके क्या है? प्रिवेंशन सिस्टम है, यानी एरर प्रूफिंग सिस्टम है। जीडीयूका सिस्टम, रूट कॉज एनालिसिस, स्टैंडर्डाइज्ड वर्क। वर्क को क्या करना है? स्टैंडर्डाइज करना है। ये सारे जो हैं टूल्स हैं जिसकी हेल्प से हम डिफेक्ट्स को प्रिवेंट कर सकते हैं, रोक सकते हैं। जैसे पोका योके सिस्टम क्या कहता है? पोका योके सिस्टम जो है एरर प्रूफिंग सिस्टम है, यानी मिस्टेक प्रूफिंग सिस्टम है। इसमें ऐसा सिस्टम होता है जिससे कि गलती होने का चांस ही नहीं होता। देखा होगा कि मोबाइल का जो सिम होता है उसके एक कॉर्नर पे क्या होता है? एक स्लॉट कटा होता है। अगर आप सिम को क्या है ना गलत ढंग से लगाएंगे तो सिम क्या है वो फिट नहीं होगा, यानी इसमें क्या है गलती होने के चांसेस बिल्कुल ही नहीं है। अगर इसमें क्या होता है स्लॉट कटिंग नहीं होता तो क्या है सिम जो है गलत भी लग सकता था, यानी इसमें चांसेस थे गलत होने के। तो पोका सिस्टम ये कहता है कि ऐसा काम करो जिससे कि गलत होने का चांस ही ना हो। फ्रेंड्स, आठवां और लास्ट वेस्ट है अनयूटिलाइज्ड स्किल्स। इसमें क्या होता है? रिसोर्सेज आर नॉट प्रॉपरली यूटिलाइज्ड इन द फॉर्म ऑफ पीपल एक्सपीरियंस एंड स्किल्स नॉलेज आर क्रिएटिविटी वेयर एम्प्लॉयज अनेबल टू मेक डिसीजन स्किल्ड एम्प्लॉय टू एन अनस्किल्ड टास्क। यानी क्या होता है? जो स्किल्ड पर्सन होता है उसके अकॉर्डिंग, उसके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग क्या होता है, कभी कभी काम नहीं मिलता है, उससे हट के उसको क्या है रिस्पॉन्सिबिलिटी मिल जाती है करने की, उसे बोलते हैं अनयूटिलाइज स्किल्स। फ्रेंड्स, इसके अनयूटिलाइज स्किल्स के कारण क्या हैं? वेस्टफुल एडमिन टास्क, पुअर कम्युनिकेशन, लैक ऑफ टीम वर्क, लॉस्ट मोटिवेशन एंड क्रिएटिविटी। ये सारे कारण होते हैं अनयूटिलाइज स्किल्स के। फ्रेंड्स, इसको अनयूटिलाइज स्किल्स को कैसे अवॉइड किया जाए? प्रॉपर कम्युनिकेशन चैनल, हायरिंग कंटेंट वर्कफोर्स, प्रॉपर ट्रेनिंग प्लान, स्किल बेस्ड जॉब। इस तरह से हम क्या है अपनी स्किल्स को यूटिलाइज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और नई वीडियो बनाने में हेल्प करती है। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।